हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशीज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस चॉकलेट बिस्किट केक की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बिस्किट केक हम बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से आज बनाने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट बॉम्ब्स और इनके अंदर बहुत सारी चॉकलेट भरी पड़ी है। तो ये हम पार्ले जी बिस्किट से बनाएंगे। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। आई होप आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलती रहे। और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी, लेट्स स्टार्ट इट। तो फ्रेंड्स, बिस्किट के बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस चॉकलेट बॉम्ब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 रुपये के पार्ले जी बिस्किट का पैकेट लिया है और ऐसे मैंने 4 पैकेट लिए हैं। आप चाहें तो कोई और बिस्किट का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम मिक्सी जार ले लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे ये बिस्किट को, हम क्रश कर लेंगे। तो 2 पैकेट मैंने डाल दिए हैं और ये बहुत भर गया है, तो मैं थोड़ा सा इसको एक बार क्रश कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने क्रश कर लिया है। अब इसके अंदर बाकी के बचे हुए 2 पैकेट भी मैं डाल देती हूँ बिस्किट के। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस केक है, बच्चों की बर्थडे पार्टी में या फिर आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप के करीब चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप थोड़ी टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा भी सकते हैं। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कोकोआ पाउडर, इसको चॉकलेटी टेस्ट देने के लिए। वैसे आप चाहें तो इसको सिंपल भी बना सकते हैं, पर इस सिंपल में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो मैं इसके अंदर 1.5 बड़े चम्मच के करीब कोकोआ पाउडर डाल रही हूँ। और इसके बाद इसके अंदर वनीला एसेंस डाल देंगे। ये भी कंपलसरी नहीं है, पर इससे टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैं 1/2 छोटा चम्मच के करीब वनीला एसेंस डाल रही हूँ और ये मैंने छिड़क दिया है। इसके बाद मैं 1 कप के करीब दूध डाल रही हूँ, और दूध जो है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए आपका, गर्म दूध नहीं डालना है इसमें, नाप के 1 कप डालिएगा। और इसके बाद मैं 1 चुटकी के करीब इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। नमक से क्या है, जो चॉकलेट टेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ के आता है, उभर के आता है। अब इसको हम पीस लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने पीस लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही थिक इसका क्रीमी सा इसका पेस्ट बन गया है। बहुत ही ईजी है, इस तरीके से आप चॉकलेट का जो बैटर है वो बना सकते हैं केक के लिए। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस आपका केक बन जाता है इससे। तो अभी इसको फुलाने के लिए हम ईनो का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 1 पैकेट के करीब रेगुलर ईनो का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसके ऊपर मैं 2 बड़े चम्मच के करीब दूध डाल रही हूँ, ये भी रूम टेम्परेचर पे है। और इसको हम मिक्स कर देंगे ताकि ये फूल जाए। हाँ, चम्मच से ही मिक्स कर दीजिएगा ताकि अच्छे से फूल जाए। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस चॉकलेट केक का बैटर तैयार है। देखा, बहुत ही इजी था ना इसे बनाना। इससे हमारे बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस चॉकलेट बॉम्ब बनेंगे। फ्रेंड्स, इनको बेक करने से पहले अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे मैं हिमांशी ट्वेल्व नाम से हूँ, ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए इसको बेक करते हैं। और इसको बेक करने के लिए यहाँ आज मैं अप्पे पैन का यूज़ कर रही हूँ, ताकि हमारे छोटे छोटे जो चॉकलेट बॉम्ब्स हैं वो बन सकें। आप चाहे तो वैसे नॉर्मल केक भी बना सकते हैं इसका। तो यहाँ पे मैंने देखिए अप्पे पैन के अंदर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है हर खांचे में, और इसको हम ब्रश की सहायता से थोड़ा सा फैला लेते हैं। और इसके बाद बिल्कुल धीमी आंच पे आपको ये केक का बैटर है जो 1/1 छोटा चम्मच अंदर डालना है सारे खांचों में। थोड़ा थोड़ा डालिएगा, बहुत ज़्यादा बाहर तक नहीं आ जाए, क्योंकि अभी फूलेगा। तो थोड़ा थोड़ा डालिएगा आप। और इसके बाद इसको एक्स्ट्रा चॉकलेटी सेंटर देने के लिए और पिघला हुआ सेंटर देने के लिए यहाँ पे मैं चॉकलेट बॉल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये चॉकलेट शॉट्स के रूप में मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहें तो अंदर अपनी चॉइस की कोई सी भी चॉकलेट की चीज़ भर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आधे के अंदर ये चॉकलेट बॉल्स भर रही हूँ और आधे के अंदर मैं डेरी मिल्क भर रही हूँ, नॉर्मल जो चॉकलेट मिलती है बाज़ार में, 5 से 10 रुपए का ये आपको पैकेट मिल जाएगा। आप इसके छोटे छोटे पीस करके अंदर डाल दीजिए। तो ये बहुत ही इजी प्रिपरेशन है, आप सुबह सुबह जल्दबाजी में टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं या फिर पार्टीज़ के लिए भी तैयार कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो है हम थोड़ा सा बैटर डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे, तो ये बहुत ही आसानी से अंदर चॉकलेट सेंटर के रूप में छिप जाएगा। और अब इसको हम 2 मिनट के लिए एकदम धीमी आँच पर बेक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 मिनट में एक तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से फूल गए हैं, बेक हो गए हैं। अब इसको हम दूसरी तरफ भी बेक कर लेंगे 2 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको एक और चॉकलेटी सेंटर की रेसिपी बताती हूँ। इसके अंदर मैंने डेरी मिल्क चॉकलेट ले ली है 1 बड़ा पैकेट के करीब, और इसके अंदर हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब बटर।
और इसको हम माइक्रोवेव कर लेंगे और बस ये पिघल के हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। जब आप इसको अंदर डालेंगे और जब बेक करने के बाद बाहर निकालेंगे तो ये बिल्कुल ही ऊजी ऊजी अंदर से चॉकलेट निकल के बाहर आएगी। इसके अंदर जो बटर का यूज़ मैंने किया है वो अनसॉल्टेड बटर है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। और चलिए अभी हम इसको डाल के भी हम एक बार चॉकलेट बॉम्ब्स बना लेते हैं अपने। तो हम थोड़ा थोड़ा सा ये जो चॉकलेट केक का बैटर है ये वापस से हम अपने पैन में डाल देंगे। मैंने पहले से ही ऑयल लगा दिया है थोड़ा थोड़ा सा, और इसके बाद जो हमने चॉकलेट का जो मिक्स बनाया है अंदर वो डाल देंगे थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल 1/4 चम्मच के करीब डालिएगा, ज़्यादा हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये जब आप बेक करेंगे तो ये जब आप तोड़ेंगे ना बाहर बिल्कुल ऐसे बह के आएगा, तो जैसे चॉकलेट लावा केक्स होते हैं ना वैसा ये लुक देगा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के इसको कवर कर रही हूँ और ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद आएंगे। इसको सिर्फ 2 मिनट एक तरफ से हम बेक करेंगे, तो बिल्कुल धीमी आंच पे बेक कीजिएगा। ये देखिए एक तरफ से बेक हो गए हैं, अब इसको हम चम्मच की सहायता से पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी 2 मिनट के लिए बेक करेंगे। बहुत ही ईजीली बन भी जाते हैं, तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। देखिए दूसरी तरफ भी हम इसको पलट के बेक कर लेंगे 2 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आँच। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरी तरफ से भी बेक हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है, बहुत ही अच्छे से ये पक जाते हैं। देखिए कलर देखिए कितना प्यारा आया है इनके ऊपर। और आप इसके साथ आइसक्रीम भी सर्व कर सकते हैं, ऊपर से आप आइसक्रीम का एक स्कूप डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। और अंदर से देखिए भर भर के चॉकलेट निकलती है, तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और अगर इसके अलावा और भी टेस्टी डिलीशियस रेसिपीज देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मैंने लिंक्स दिए हैं, ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स, मैं सारे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे हिमांशी इज़ वर्ल्ड नाम से हूँ, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।